हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज मनजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग मिली राइट बट उसमें आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, हीरो को काफ़ी लेट से समझ में आता है, लेकिन चलो एटलीस्ट समझ में तो आता है। जी हाँ, हीरो ने फिर से लॉन्च कर दिया पुराना वाला ग्लैमर जो पुरानी लुक के साथ आते थे। सो ये वाली है, अभी इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा। सो आपको ये बाइक कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। ये हीरो ने सही किया है इसको लॉन्च करके, क्योंकि अब टक्कर होगा 125 cc में, क्योंकि पहले जो बीच वाली जो लुक थी वो बहुत सारे लोग पसंद नहीं आ रही थी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पुराना वाला ही ठीक था, लेकिन चलो हीरो ने एटलीस्ट सुन लिया। सो चलिए इस नए ग्लैमर के बारे में जानते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन से प्रेस करके और नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब कभी भी मैं ऐसी वीडियो लाऊँ तो आप सबको उसकी नोटिफिकेशन इजिली मिल पाए। ओके, सो क्या कुछ खास देखते हैं, चलो। सो गाइज, ये है हीरो ग्लैमर 125 जो कि पुरानी वाली शेप में है, लेकिन है बिल्कुल नई। अब आप लोग क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब मुझे जहाँ तक लगता है कि अब इसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं, ख़रीदने वाले हैं, क्योंकि पर्सनली मुझे ये वाली जो डिज़ाइन थी काफ़ी अच्छी लगती थी। पता नहीं बीच में हीरो ने क्या मॉडिफाई किया है, लेकिन चलो एटलीस्ट उन्होंने इसको फिर से रीलॉन्च कर दिया। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रंट में। तो जैसा पहले का डिज़ाइन था वो आपको डिज़ाइन मिल जाता है, ये वाली जो है ब्लैक और ब्लू स्टिकर के साथ आती है। सामने की तरफ यहाँ पे हैलोजन मिलता है, हालांकि हीरो को थोड़ा सा इसमें अपडेट कर देना चाहिए था, एलईडी दे देना चाहिए था, हो सकता है नेक्स्ट जो जनरेशन उसमें वो एलईडी इसमें दे दें। चलिए वो तो बात हो गई। यहाँ पर आपको हीरो का 3D लोगो मिल जाता है, ये आपके जो इंडिकेटर्स है ये भी आपको हैलोजन में मिलते हैं, लेकिन ये पुरानी वाली ग्लैमर में जो आती थी वो नहीं है। बीच वाली जो ग्लैमर थी इससे पहले वाली, वो वाली जो इंडिकेटर है इसमें लगाया गया है। सो ये इसका कुछ फ्रंट का प्रोफाइल है, देख लो फिर से कितना प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, जो पुरानी वाली ग्लैमर थी आप लोग जानते ही हैं। सो चलिए नीचे आप देख लेते हैं, यहाँ पर आप नंबर प्लेट के लिए थोड़ा सा स्पेस दिया गया है। ये आपका सस्पेंशन है टेलीस्कोपिक, यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, दोनों तरफ मिल जाते हैं। ये रहा, ये इसका कुछ ऐसा मड गार्ड है, थोड़ा सा चेंज है क्योंकि पहले से इसको बेटर किया गया है, तो थोड़ा सा अच्छा तो बनाया गया है, ग्लोशी फिनिश में है। यहाँ पे आपको डिस्क मिल जाते हैं, ड्रम वेरिएंट भी आता है, डिस्क में भी आता है। सो थोड़ा बहुत प्राइस का अंतर होगा, वो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। ये जो डिस्क कैलिपर्स है ये बाइब्री के आपको इसमें मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। चलिए हीरो कुछ कुछ अपडेट कर रहा है जो कि देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपको अलॉय व्हील मिल जाते हैं, जो कि जो अभी इससे पहले वाला जो ग्लैमर था उसी शेप का अलॉय व्हील मिल जाता है। तो देखो दोनों जो ग्लैमर है उसको मर्ज करके एक फिर से एक नया ग्लैमर बनाया गया है। सो इस बारे में आप लोग थोड़ा सा बताइएगा कैसा क्या है, और बिल्कुल सजेस्ट कीजिएगा हीरो को, जो भी आपको लगे सजेस्ट बिल्कुल कीजिएगा उनको। चलिए टायर साइज़ की अगर बात करें तो इसमें आपको MR की टायर मिल जाती है, जिसका साइज़ मैं देख लेता हूँ, इधर तो है नहीं, उस साइड से देखता हूँ। यहाँ पे यस 18 इंच के आपको इसमें अलॉय व्हील मिल जाते हैं, जो कि 125 cc के लिए टायर साइज़ ठीक है। कैसा है आप लोग को पता ही था, क्योंकि पुरानी वाली जो ग्लैमर है बिल्कुल मतलब परफेक्ट था। सो उसी को देखते हुए हीरो ने इसको फिर से लॉन्च किया है। सो ये सारी चीज़ें तो फ्रंट से हो गई, फ्रंट से एक बार फिर से देख लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड से भी दिखा देता हूँ। ये कुछ इसका ऐसा मतलब अच्छा लगा देख के, चलिए हीरो एटलीस्ट काम तो कर रहा है। ये इसका साइड प्रोफाइल, और मैं पीछे रियर की तरफ भी चलूँगा, पहले फ्रंट से शुरुआत कर लिए। यहाँ पे आपको इंजन जो है, इंजन में थोड़ा सा चेंज किया गया है, पहले का जो इंजन था वो फ्लैट आता था, अभी ये वर्टिकल हो गया है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। हालांकि अपडेट है तो लगभग ठीक ही है, और ये BS6 फेज 2 के साथ आती है, तो इसमें आपको 125 cc की इंजन मिल जाती है, जो कि पावर लगभग 10.72 PS की निकाल के दे देती है। वहीं पे आपको इसमें 10.6 Nm का टॉर्क मिल जाता है। ये जो बाइक है आपको 5-speed गेयरबॉक्स के साथ आती है। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी खासी है, इसमें आपको 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। चलिए यहाँ पे देखिए तो आपको साइड स्टैंड इंजन कटअप स्विच भी मिल जाता है। जब भी आपकी बाइक के साइड स्टैंड पे रहेगी और गियर में रहेगी तो आप बाइक को आगे नहीं ले जा सकते हो, जो कि अच्छी बात है। आपको ड्यूल स्टैंड भी मिल जाता है। और ये देख लो भाई, ये स्टिकर वही पहले वाला, और थोड़ा सा डिज़ाइन हल्का सा इसमें चेंज किया गया है, वो मैं बताऊँगा। यहाँ पर FI की स्टिकर मिल जाती है, ये आपका हीरो, और यहाँ पर i3S, और ये जो पोर्शन आप देख रहे हो इसमें हल्का सा मॉडिफाई किया गया है। आप अगर देखोगे, मैं पुराना वाला ग्लैमर है उधर, मैं अभी दिखा देता हूँ, लेकिन पहले इसको देख लीजिए। यहाँ पे क्रोम इंसर्ट किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी प्यारा लग रहा है, और इस पैनल को थोड़ा सा डिज़ाइन किया गया है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है।
सो गाइस पहले इधर से ही ख़त्म करते हैं। यहाँ पे आपको चेन कवर मिल जाता है जो कि अच्छी बात है। 125 सीसी में चेन कवर के साथ आती है बाइक तो थोड़ी सी अच्छी लगती है। ये आपको साड़ी गार्ड मिल जाते हैं, ये आपका सस्पेंशन है जो कि रेड इंसर्ट के साथ आती है। यहाँ पे आपके फुट पैक्स हो गए वही पहले वाले। तो हीरो ने इसको ज़्यादा छेड़ा नहीं है, थोड़ा बहुत तो छेड़ना पड़ेगा ही ना ताकि मॉडिफाई कर सके। चलिए लगे हाथों रियर टायर की ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे MRF की टायर मिल जाती है और इसकी जो साइज़ है उस साइड से देखते हैं। सो यहाँ पे आपको साइज यस 118 इंच के आपको इसमें अलवा व्हील मिल जाता है। तो पीछे का जो टायर साइज़ आपको 100 का मिल जाता है और आगे का आपको 80 का, तो टायर साइज़ भी लगभग ठीक ठाक है। यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं पीछे की तरफ, आपको आगे का डिस्क मिल जाता है। सो ये सारी चीज़ें हो गई, अभी रियर का बात कर लेते हैं फिर आएंगे उधर। सो टेल सेक्शन में थोड़ा सा बदलाव किया गया, हल्का सा डिज़ाइन आप देख लो। ये कुछ इसका ऐसा टेल सेक्शन है, एक बार मैं इसको ऑन करके देख लूँ। सो लगता है ब्रेक पैडल, एक सेकेंड, हाँ ये देखिए यहाँ पे कुछ H शेप में आ रहा है जो कि काफ़ी प्यारा लगता है। इसका मतलब ये हीरो का जो लोगो है ना वो डिनोट कर रहा है जो कि देख के काफ़ी अच्छा लगता है। और अभी जो लेटेस्ट जो करिश्मा आई है उसमें भी कुछ ऐसा ही उसका आगे का हेडलैम्प है, उसकी वीडियो भी इसके बाद आएगी, सो उसके लिए वेट कीजिए। हाँ नीचे आपको नंबर प्लेट के लिए लाइट मिल जाता है इसमें, और ये आपका रिफ्लेक्टर मिल जाता है, यहाँ पे आप नंबर प्लेट को लगा सकते हैं। ये इसके कुछ इंडिकेटर्स हैं, एक बार इंडिकेटर को भी जला के दिखाई देता हूँ। सो ये कुछ इसका इंडिकेटर है, इंडिकेटर अच्छा है ठीक है। साइलेंसर को देख लिया जाए, यहाँ पे साइलेंसर जो है आपको ये जो हीट प्लेट है आपको क्रोम फिनिश में मिल जाता है। ये आपका पूरी तरह से ब्लैक है और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि फाइबर का यूज़ किया गया है, मेटल है पूरी तरह से ठीक है। यहाँ पे आपको छोटा सा ब्रेक फ्लूड मिल जाता है जो कि ब्रेक को काफ़ी अच्छा करने के लिए ये लगाया गया है। यहाँ पे आपको रियर ब्रेक पैडल मिल जाते हैं और अच्छी बात यह है कि इसमें आपको किक मिल जाता है जो कि लगभग अभी जो TVS की जो रेडर थी उसमें आपको किक नहीं मिलती है, इसमें आपको किक मिल जाती है। होता है ना कभी कि बाइक का जो बैटरी डाउन हो जाए तो किक रहना चाहिए, कम से कम 125 सीसी में तो किक रहना चाहिए। सो चलिए मेंटेनेंस इसमें आपको ज़्यादा नहीं लगने वाला है, ये चीज़ लगभग ठीक ठाक है। सो ये रहा ओवरऑल जो था ग्लैमर का। अच्छा एक चीज़ मैंने आपको दिखाया नहीं, ये ग्लैमर देखो 3D में आपको ग्लैमर लिखा हुआ मिल जाता है जो कि पहले वाला ग्लैमर जो है स्टिकर में लिखा हुआ आता था, अभी ये 3D में है। यहाँ पे E20 जो कि V6 फेज 2 इंजन है। अच्छा एक लगे है तो मैं पुराने वाला जो ग्लैमर इसको दिखाया था, हालांकि पता नहीं किसका बाइक है, जो भी है ये पुराना वाला ग्लैमर है देख लीजिए, बिल्कुल सेम है, लगभग थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे इस वाले में नया वाला जो क्रोम का इंसर्ट किया गया है हल्का सा और अच्छा करने के लिए किट मिल जाता है, लगभग एकदम यही कलर सेम वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो ये मीटर कंसोल पुराना वाला, अभी नया वाला मीटर कंसोल देख लेंगे। सी ओवरऑल कुछ ऐसा है। चलिए अपने वीडियो पे आते हैं। बात पे इसकी फ्यूल टैंक की, तो इसमें आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है जो कि इजीली 60 की माइलेज दे देगी, आराम से दे देगी। अगर आप जैसे राइड करोगे उस हिसाब से माइलेज आपको मिल जाएगा। सिंगल सीट मिल जाता है और सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसको आप एक बार आओ हीरो के शोरूम में और टेस्ट राइड जरूर लीजिए ताकि पता चल पाए कि ये कैसा है, क्योंकि वीडियो में हो सकता है आपको लगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। एक बार आप आए शोरूम में, अपने नज़दीकी शोरूम में, और उसके बाद टेस्ट ड्राइव ले। हालांकि अगर आप पटना और इसके आसपास के एरिया से हैं तो आप पाटलिपुत्र हीरो विजिट कर सकते हैं, उसका मैं एड्रेस आपको लास्ट में दे दूंगा। यहाँ पे ग्रैब बार भी मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है, मेटल का है। चलिए अब इसको ऑन कर लेते हैं। मेन जो है यहाँ पे ये आपका मीटर कंसोल है जो कि फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है। हो सकता है अभी थोड़ा सा सनलाइट है तो उतना फ्रेश नहीं दिख रहा हो, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा अच्छा से दिखाने का। तो इधर से नहीं, इधर से ठीक है लगभग, यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ अब थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। सो जो स्प्लेंडर प्लस है उसका थोड़ा थोड़ा आपको बीच में ही दिख रहा होगा, उस तरह का ही है, लेकिन बहुत अच्छा है। यहाँ से आप देख लो पूरा यहाँ पे डिजिटल मीटर ही है, इसमें आपको एनालॉग कहीं नहीं मिलता। यहाँ पे इंजन मालफंक्शन का लाइट, ये आपका हाई बीम है, और ये आपका इंडिकेटर का इंडिकेशन मिल जाता है, ये आपका साइड स्टैंड का भी इंडिकेशन यहाँ पर मिल जाता है। अभी तो ड्यूअल स्टैंड पे मैं अभी लगा नहीं पाऊँगा, कोई बात नहीं वीडियो कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको ITS का इंडिकेशन, या आपका न्यूट्रल, या आपका फ्यूल का इंडिकेशन मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, ओडोमीटर मिल जाता है कितना फ्यूल है ठीक है। और ख़ास बात क्या है कि ये अब ब्लूटूथ के साथ भी आती है, सो इस चीज़ को देख लीजिएगा क्योंकि इसमें हीरो ने ब्लूटूथ ऐड कर दिया है। एक और इसमें अच्छी बात क्या है कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको USB पोर्ट मिल जाता है, अब आप इसमें फ़ोन वगैरह को भी चार्ज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लगा हीरो का जो ये अपडेट था वो देख के। चलिए लेफ्ट हैंड साइड की बात करें। अच्छा ये इसके कुछ मिरर्स है, ये पुराना वाला थोड़ा सा राउंड शेप में था यहाँ पे हल्का सा, और ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, सो कोई बात नहीं, कंपनी को जो लगा है वही दिया है। तो चलिए जब आप इसको राइड करेंगे तो उसी हिसाब से धीरे धीरे फीडबैक आएगा।
लेफ्ट हैंड साइड आपको पास स्विच मिल जाता है, यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम का स्विच मिल जाता है, ये आपका साइड टर्न इंडिकेटर हो गया और ये आपका हॉर्न का यहाँ पे स्विच मिल जाता है। राइट हैंड साइड की बात करें तो ये आपका i3s, ठीक है। इसको ऑन ऑफ क्या करना है, ये कैसे यूज होता है, इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, सो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे आप जा करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे सेल्फ का स्विच मिल जाता है और चाबी तो मैंने दिखाई नहीं, ये इसका कुछ ऐसा ही है। सो गाइज लगभग मोटा मोटी मुझे जितना लगा वो मैंने बता दिया। अच्छा, इसका जो वेट है 122 kg है कर्व वेट। अच्छा, एक बार इसको मैं स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ इसका साउंड कैसा है, इसकी लाइट कैसी है। सो पहले कर लेते हैं चाबी को ऑन, और ये आई थिंक न्यूट्रल में नहीं है, सो पहले तो इसको न्यूट्रल में कर लिया जाए। सो अब ये न्यूट्रल में हो गया और सेल्फ देते हैं, तो लाइट भी देख ही लीजिए, ये आपका हेलोजन लाइट, ठीक है, और ये इसका साउंड। तो साउंड कैसा है वो बताइएगा। ये बाइक पहले 4 gears के साथ आती थी, अभी इसमें 5 gears मिल जाते हैं। सो गाइज अब बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस कितने रहने वाली। सो प्राइस भी इसका लगभग बहुत अच्छा रखा गया है, जो कि डिस्क वाला वेरिएंट का है, ये मैं पटना एक शोरूम बता रहा हूँ बिहार का, इसका 86,889 है, और वही आप ड्रम में लेना चाहेंगे तो 82,889 है, एक शोरूम में बता रहा हूँ। सो ऑन रोड मोटा मोटी मेरे ख्याल से 104,000-106,000 के आसपास जाएगा, वो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। सो गाइज़ अगर इस बाइक को आप लेना चाहते हैं, आप पटना बिहार के आसपास के एरिया से हैं, तो आप पाटलिपुत्र हीरो विजिट कर सकते हैं, यहाँ का जो है फ़ोन नंबर और एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, इसमें एक और जो भी है कलर वगैरह जो था, मैंने थोड़ा सा शोरूम में अंदर लाइट नहीं था, सो उसका एक और जो कलर है जैसे रेड कलर है और ब्लैक और रेड के साथ जो आती है, उसका भी मैं वीडियो डाल देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। सो फ्रेंड्स ये है इसके और कलर्स, जैसा कि आप देख सकते हो ये रेड वाला है, काफ़ी प्यारा लग रहा है, लाल कलर का ये जो ग्लैमर है, और भी है, ये ब्लू और ब्लैक के साथ है, और एक और है जो कि रेड और ब्लैक के साथ आती है। गाइस यही था आज के वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि लोग जो है इस बाइक को खरीद पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय एंड